सो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन. कंप्लीट द गिवन रिएक्शन. दिस इज एमसीक्यू. सो एमसीक्यू इज लाइक दिस. यू आर गिवन विद द सर्टेन रिएक्शन. द रिएक्शन वन इज कॉपर. ठीक है बेटे. नाउ यू आर गिवन विद सर्टेन ऑप्शंस लाइक दे आर आंसर राइटिंग. ए ऑप्शन में डब्ल्यू एक्स वाई. इट इज टू एनओ टू. एनओ हाँ जी. विच ऑप्शन इज करेक्ट. यस बेटे. B, right. The option B is correct. Y is your iodic acid. This is dinitrogen oxide and this is nitrogen oxide. P block bhi simple nahi aane wala bete. Next, write down. मैच द फॉलोइंग भी आएंगे बेटे. जस्ट राइट डाउन कैसे आएंगे. देखो this is the column 1 you are having and this is the column 2.
Now certain options are given and you are asked with which match is correct. तो हम मैच करो, पहले तो बताओ कौन सा करेक्ट है, अपने आप मैच करो. हरी अप, 1 मिनट. अब किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 4 है, किसकी पॉजिटिव 6? हाँ जी, क्या है आंसर? पहले सल्फ्यूरिक एसिड के निकालो, इट विल बी मोर इजियर. सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ मैच किया आपने? ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर की. सल्फर की तो निकालनी आपने, तो अगर इसका मतलब आना डी के साथ फर्स्ट मैच हो गया, हो गया. अब सी निकालो, सी. चलो बी देखो, बी ये H2SO5, H2SO5 देखो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होता है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये OH, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. तो आपने इसकी प्लस 6 निकाल ली, निकाल ली. अब अगर ये देखो इसमें और इसमें फर्क है ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब यहां पे कहीं पर ऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी. अगर मैं यहां बनाऊ, अब सोचो क्या हो सकता है. एक मैंने हिंट दे दिया आपको स्ट्रक्चर के साथ. बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सल्फर की कितनी बन रही है इसमें. इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, देखो इसमें और इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है, तो सल्फर की तो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रही ना, तो और कौन सा 6 वाला ऑप्शन है? दो आपके सॉर्ट आउट हो गए, अब बाकी दो बचे हैं हमारे पास. ठीक है, अब सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट H2SO3 में क्या हो सकती है?
पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, एक और ऑक्सीजन नहीं है, H2SO3 में एक ऑक्सीजन नहीं है और, तो अगर एक ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो बाकी ऑक्सीजन कितने बचे हैं, टू। तो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या लग रही है हमें, +4, और ये डायबेसिक हो जाएगा। और नेक्स्ट आप करो अपने आप। ना एक ऐसा और क्वेश्चन करो बेटे, देखो यू आर गिवन विद ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ज़ीनॉन O3, ज़ीनॉन O4। Then we are given with the geometry. करो मैच। पहले बेटे हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसके, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ज़ीनॉन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ज़ीनॉन की वैलेंस शेल में कितने हैं, 8। फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 प्लस 7 इंटू 4, टोटल क्या हुआ, 7 4 प्लस 8 26 बोल रहे, डिवाइडेड बाय 8 यू विल गेट 36 हो जाता, नहीं 32 जाता, दैट इज 4, बाकी हमारा 4 रिमाइंडर बच गया। तो मींस 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, जब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 होगी, तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ये
That is square planar. अब जीनोन फ्लोरीन वाली पहले निकाला करो, फ्लोरीन में डबल बॉन्ड नहीं होता, जीनोन हेक्सा फ्लोराइड की निकाल लो ऐसे यारी आप। जीनोन हेक्सा फ्लोराइड ऑनलाइन स्टूडेंट यू हैव डन ये बेटे एक एमसीक्यू है। अब देखो आपको कितना टाइम लग रहा है, ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं, आप करके देखो। ऑप्शन तो सेम सेम दे रहे हैं, एक आधी चेंज करते हैं बीच में। जीनोन हेक्सा फ्लोराइड करके देखो, इतनी देर बेटे जीनोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एट। ठीक है, तो सीधे मुझे एक बात बता, उसमें से सिक्स बॉन्ड पेयर है, छह फ्लोर इनके साथ लगा हुआ है, एक लोन पे रह गया होगा, इसका मतलब हम यही बोलेंगे ना, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं निकाले तो, अगर जीनोन की वैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन है, छह फ्लोर इनके साथ लगा, इसका मतलब इसके छह इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बाकी एक लोन पे रह गया होगा, तो छह के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्ट्राइडल करेगा, बोला। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट जीनोन ट्राइफ्लोराइड। अब हमारे पास टू ऑप्शन बची हैं, देखो एक के साथ तीन ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन एट ए टाइम कितने बॉन्ड बनाती है, ऑक्सीजन एट ए टाइम डबल बॉन्ड बनाती है, तो तीन ऑक्सीजन तीन डबल बॉन्ड बना के बैठी है ना, तो जीनोन के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, सिक्स, और ए क्या बच जाएगा, लोन पेयर, तो ये क्या बन जाएगी, और हमारे पास बचा क्या, टेट्राइड। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, द ऑप्शन आर आई सी एल टू सी एल ओ टू बी बी आर ओ टू नेगेटिव बी आर एफ टू पॉजिटिव सी सी एल ओ टू बी आर एफ एंड डी सी आर नेगेटिव एंड ओ थ्री, यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन हो। देखो सबसे पहले हेलोजन और ऑक्सीजन वाले पकड़ते हैं, जैसे फर्स्ट है, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं वैलेंस शेल ही देखूं, मैं सारे ना ही देखूं, तो पहले में मेरे पास तीन हेलोजन है, तीनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है CLO2 है ना, उसमें से एक के पास 7 है, बाकी के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो के पास, ये तो सेम हो नहीं सकते। सेकंड आ जाओ, पहले के पास Br के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6 है, दो ऑक्सीजन के पास, और प्लस एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा है, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 7 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 6 है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 7 हो गए ना, माइनस है ऊपर चार्ज, है ना, 7 7 14 + 6 20। मैं पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वैलेंस शेल की काउंट कर रही हूँ, ठीक। देन BrF2 आ जाओ, तीनों हैलोजन है, मतलब 7 7 7 21, ऊपर प्लस 1 चार्ज है। इसको ऐसे करते हैं, ये पूरे इलेक्ट्रॉन निकालने लग गए पेपर में, टाइम बहुत वेस्ट होता है। वैलेंस शेल देखो पहले, नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग ही यूज टू प्रिपेयर क्लोरीन गैस एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर क्लोरीन गैस एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ऑप्शंस आर NaOH, H2S, KMnO4 एंड क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड, आपने क्लोरीन गैस बनानी है और क्या रिएक्ट करोगे HCl के साथ कि क्लोरीन गैस बने। यू हैव टू सिंथेसाइज क्लोरीन गैस एंड यू हैव टू रिएक्ट विद HCl। अच्छा, आपको रिएक्शंस तो पता होनी चाहिए ना, पर हमें रिएक्शंस पता नहीं है। अब हमें पता है कि NaOH प्लस HCl तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, क्लोरीन गैस तो बनाएगा ही नहीं, वो तो कर दो खत्म। H2S भी एक हाइड्रोजन की सल्फाइड है, वो क्यों इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगी, बना सकती ना। KMnO4 क्रोमियम ऑक्साइड में डाउट है, है? तो आंसर होता है बेटे KMnO4, ये फर्स्ट रिएक्शन है इसकी, KMnO4 जब आपकी इसके साथ रिएक्ट करता है तो KCl और MnCl2 दो सॉल्ट बनाता है, प्लस क्लोरीन प्लस वाटर बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, देखो क्या सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन
when bromine is treated with NaF the test tube acts me you have taken NaF aur isme bromine dala aapne theek then test tube second me you have taken NaCl and then bromine dala and test tube ye y hai aur test tube z me you have taken NaI and you have added bromine into it now what will be the observation write the options fluorine is liberated a fluorine is liberated in x and cl2 in y only I2 is liberated in Z only Cl2 is liberated in Y only F2 is liberated in X बी ऑप्शन ओनली फ्लोरीन क्यों व्हाई व्हाई Why? सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन सा फ्लोरीन आपने डी ऑप्शन बोला कैरियर ऑफ फ्लोरीन विल बी लाइब्रेटेड मतलब आपने फ्लोरीन को अलग करवा दिया बेटे सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव फ्लोरीन है तो फ्लोरीन तो अपना बॉन्ड छोड़ेगा ही नहीं हाँ ऑप्शन क्या हो जाएगी बी हो जाएगी ठीक है बेटे जैसे हमें पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमें डिस्प्लेस कर सकते हैं अब ब्रोमीन को फ्लोरीन नहीं डिस्प्लेस कर सकता ना ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है हाँ ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है तो ऑप्शन आपकी बी नेक्स्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज
कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फर डाइऑक्साइड को ट्राइऑक्साइड को वाटर में नहीं डालते, याद है? किसमें डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में पहले ओलियम बनाते हैं, याद है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, फिर हम ओलियम बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके। हम डायरेक्टली तो नहीं उसमें डाल देते पानी? ये क्वेश्चन है कि ये पानी क्यों नहीं डालते, आप पढ़ के आना घर।